उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खापरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लाखों लोगों के साथ में दिल्ली से होते हुए लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। भारत छोड़ो यात्रा को लेकर हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता में उत्साह है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भारत छोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ब्रजलाल खापरी ने बताया कि केंद्र में मोदी सरकार तानाशाही रवैये पर चल रही है। मोदी सरकार ने 2014 से लेकर आज तक जो भी वादे किए हैं उनको पूरा नहीं किया है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। विपक्षी बात को दबाया जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्षी बात नहीं सुनी जा रही है। स्वागत उन्होंने सभी ने किया है कि इस पदयात्रा का स्वागत है। तो आप ये जाहिर है कि पदयात्रा का उद्देश्य क्या है। पदयात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ने का है, भारत को इकट्ठा करने का है, भारत को अखंड बनाए रखने का। तो इसलिए ये यात्रा कल आई है। तो हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे हुए हैं। हम प्रेस मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करेंगे कि आप इसको कवर करें और इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, क्योंकि आप भी सबसे पहले हम सब देशवासी।